बहनों और भाइयों, ये सार और पराक्रम भारत का जो देखने को मिल रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हुआ, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, और मेरठ को तो कहना ही क्या है, 12 लेन का एक्सप्रेसवे के साथ मेरठ दिल्ली के साथ सीधे जुड़ चुका है। मेरठ के लोग अब दिल्ली में नहीं रहना चाहते, बल्कि दिल्ली के लोग अपने लिए रहने के लिए मेरठ में आवास बनाना चाहते हैं, सरधना में और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो दूरी पहले 5 घंटे में तय होती थी, अब उस दूरी को मात्र 45 मिनट से 1 घंटे में तय कर देते हैं। रैपिड रेल, 32,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार लगा करके रैपिड रेल की सुविधा के साथ मेरठ को जोड़ चुकी है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी विधानसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में बन रही है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा विश्वविद्यालय, जो भी उसका मानक होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, कोई समझौता नहीं होगा, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आपको हम लोग यहां प्रदान करने जा रहे हैं। मेरठ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को हम लोगों ने प्रमोट किया है। आज मेरठ की आइटम खेल की सामग्री दुनिया के अंदर बिक रही है।